हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक और हमारे चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, इस वीडियो में ऐसा कीवर्ड आपको बताने वाला हूँ कि धमाकेदार, जो आपने थंबनेल देखा वही चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लिया, क्योंकि कीवर्ड रिसर्च किंग इस नाम यूट्यूब चैनल का इसलिए रखा हो ताकि आपको बेहतर से बेहतर कीवर्ड मैं आपको बता सकूँ, ठीक है। और अगर आप मेरे साथ किसी चीज़ के लिए डिस्कस करना चाह रहे हैं, मार्केटिंग से संबंधित, एफिलिएट मार्केटिंग से या कीवर्ड से संबंधित, ठीक है, तो मेरा ये ईमेल आईडी है और ईमेल कर सकते हैं मुझसे। और बाकी जो मैं देखिए, मैं आपको एक सीधी सी बात बता रहा हूँ, ठीक है। जो एफिलिएट मार्केटिंग के लिए कीवर्ड बताता हूँ यूट्यूब पर, ठीक है, अगर आप मुझे डिस्कस करना चाहते हैं किसी वेबसाइट से बनवाने के लिए, एफिलिएट मार्केटिंग वाली वेबसाइट से बनवाने के लिए, ठीक है, कैसे चीज़ों को मैनेज किया जाता है, कैसे एसईओ किया जाता है, टेक्निकल से ऑन पेज, ये सब एसईओ के बारे में अगर आपको जानना है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। और कुछ प्राइस चार्ज करता हूँ मैं, ठीक है, मैं बाकी सारी चीज़ें आपको फ्री में बता रहा हूँ, तो आप उस चीज़ों को गौर कीजिए, अच्छे समझिए। यहाँ पर फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट करते हैं अपने वीडियो से रिलेटेड, यानी अपने वेबसाइट से रिलेटेड कि सर हमको या इस तरह से वेबसाइट हमको बताइए ताकि हम उस पर काम कर सकें, ठीक है। तो आपकी वेबसाइट से रिलेटेड अगर इस वीडियो में कीवर्ड नहीं बता रहा हूँ तो फ्रेंड्स कमेंट कीजिएगा, आपके भी क्या, मैं सबका कमेंट पढ़ता हूँ, ये मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है। कमेंट पढ़ के मैं उसी के कमेंट बिहेव पे मैं आपको ये कीवर्ड बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी लोगों ने कमेंट किया है, तो इसमें बताया कि सभी लोगों ने कहा कि हाई और हाई कम हाई हाई सीपीसी का वेबसाइट बताइए, कीवर्ड बताइए, ठीक है। तो मैं आपको हाई सीपीसी का कीवर्ड दिखाता हूँ, फायर बैकग्राउंड, ठीक है। फायर बैकग्राउंड, मैं इमेज वेबसाइट का सीरीज ये चला रहा हूँ करीब 3 दिन 4 दिन से, ठीक है। ये लोगो इमेज की सीरीज है, लोगो इमेज, ठीक है। आप बहुत आसानी से फ्रेंड्स पैसे बना सकते हैं, ठीक है। पैसे कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, कोई भी बड़ी बात नहीं, सिर्फ आपको चीज़ों को आइडिया हो जाए बस पैसे अपने आप बनने लगेंगे। शुरुआत में सिर्फ कठिनाई होगी। फायर बैकग्राउंड, अब मैं आपको एक सर्च करके दिखाता हूँ ये, कि इस पर कुछ नहीं करना, फायर बैकग्राउंड का इमेज निकालना है आपको, यूट्यूब कहीं से भी निकाल लो, ये अपने आप थोड़ी ना, ये उसके बाद आ गया, उसके बाद क्या करना है आपको, इसको डाउनलोड करना है, इसको मॉडिफाई करना है, ठीक है। यहाँ पर आप जाएंगे पिक्सल पे, pixel.com पे जाएंगे, 100, यहाँ पर 1000 इमेजिंग फायर बैकग्राउंड अपलोड है, ठीक है, और फ्री है वो, ठीक है। उसको आइए मॉडिफाई कीजिए, उसके बाद अपलोड कीजिए, ठीक है। ये चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, बहुत बड़ा सीक्रेट आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप क्या करना है, यहाँ से आपको इमेज मॉडिफाई कर सकते हैं, बाकी चीज़ें आप समझ सकते हैं, ठीक है। मैं आगे आपको चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ, ठीक है। इसके मॉडिफाई करने के लिए आपको पिक्सल लाइव एक अथवा एप्लीकेशन आता है, मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ, पिक्सल लाइव फ्रेंड्स, ठीक है। मैं आपको हर तरीके से मैं आपको चीज़ें को मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। मैं आपको पिक्सल लाइव एक आता है, ठीक है, मैं इससे एडिट करता हूँ, जो मेरी इमेज वाली वेबसाइट है मैं इसे एडिट करता हूँ, ठीक है। ये सिंपली प्ले स्टोर में सर्च करेंगे पिक्सल लाइव, वो मिल जाएगा। मोबाइल से आप बैठे रहिए, बनाते रहिए इमेज को, ठीक है, कहीं भी रहिए बनाते रहिए, ठीक है। और इसके बाद और पीसी से बनाने के लिए आप फोटोशॉप का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, मॉडिफाई करना है सिर्फ फायर बैकग्राउंड। एक इमेज उठाइए, बस एक इमेज को ही उठा लीजिए फायर बैकग्राउंड का, उसको मॉडिफाई करिए, इतने कलर में उसको कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। कलर कलर हर तरह के कलर, पर वो फायर ही रहे, ठीक है, मतलब आग जलती ही रहे, बस उसका कलर चेंज करते जाइए, ठीक है। 100-200 इमेज आप आराम से डिफरेंट आप बना सकते हैं, और बना के वेबसाइट पर लिखिए, थोड़ा सा आर्टिकल लिखिए, एसईओ कीजिए, और आप ऑटोमेटिक रैंक हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। $5 का सीपीसी है, बहुत बड़ा सीपीसी है, $5 का सीपीसी है, 10 क्लिक हो जाएगा तो हो जाएगा हमारा 15 में $50, यानी 7×5 = 35, 3000 रुपया बन गया 10 क्लिक का, ठीक है। तो इस तरह से लोग काम करते हैं, अपना माइंड सेट अपना सही रखिए, ठीक है। फायर बैकग्राउंड का पहला कीवर्ड हमारा 17000 क्लिक का सर्च वैल्यू में, ठीक है, और यूएसए से ट्रैफिक है इसीलिए सीपीसी ज़्यादा है इस पर। दूसरा जो कीवर्ड है फ्रेंड्स हमारा, स्टार बैकग्राउंड, मैं इसका भी दिखाता हूँ। ये आप सोचेंगे नहीं कि इस पर इतना अच्छा सीपीसी मिल रहा है, और लोग बहुत दबा के पैसे कमा रहे हैं। क्या करना है, इस तरह का ये इमेज बनाना है आपको, स्टार वाला, ठीक है, बहुत आसानी से बन जाता है स्टार वाला, आप स्टार वाला इसमें। और मैं आपको दिखाता हूँ ये कि आपको गूगल एडसेंस का अप्लाई भी आपको मिलेगा, ठीक है, ये भी चीज़ें मैं आपको क्लियर करता हूँ। और अभी मैं दिखाता हूँ, ये एक वेबसाइट है फ्री पिक, और इस पर देखेंगे गूगल एडसेंस का अप्रूवल भी है, और मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, गूगल एडसेंस का कोड यहीं पर कहीं पर लगा होना चाहिए, और ये ओपन हो जाए तो मैं आपको दिखाता हूँ और आपका माइंड क्लियर करता हूँ मैं, ठीक है।
कुछ लोग सोच रहे हैं कि मेरी वेबसाइट पे अप्रूवल नहीं मिलता है, ऐसा का अप्रूवल 100% मिलता है, 101% मिलता है, ठीक है। पर किसी का कॉपी पेस्ट नहीं करना आर्टिकल उर्टिकल, ठीक है, अपने मन से लिखिए। ये देखिए गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिला है, दबा के पैसे कमा रहा है मैंने, और मैं आपको ट्रैफिक दिखाऊंगा इस पर कि मिलियन का ट्रैफिक आता है, मिलियन का ट्रैफिक, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर मिलियन का होगा, ये देखिए, ये तो बहुत बड़ी वेबसाइट है, 54 मिलियन, 50 मिलियन का ट्रैफिक है इसमें, ये बहुत बड़ी वेबसाइट है। अगर इस पर इसका अगर 1% आपको मिल जाएगा, ठीक है, 54 मिलियन का 1% मिल जाएगा, फिर भी 1 लाख से ज़्यादा आपको ट्रैफिक मिलेगा, मिलियन में 1 मिलियन का ट्रैफिक मिलेगा, ठीक है। ये 1 मिलियन में साला हमको सिर्फ 400 ही ट्रैफिक मिले, 400 कह रहा हूँ, 4 लाख का ही ट्रैफिक मिले, बहुत है हमारे लिए। 4 लाख का ट्रैफिक आना यानी 728 यानी 30-40 हज़ार रुपये आराम से बनेगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार का मैंने कीवर्ड आपको बताया, और तीसरा कीवर्ड मैं आपको बताने को चाहता हूँ, ये प्रीटी बैकग्राउंड है, $1 का CPC है, 15 के का सर्च वाले में। जितने भी कीवर्ड बता रहा हूँ ये सब कीवर्ड कोई बताने वाला काम नहीं है, ठीक है। मैं इन्हीं से रिलेटेड मैं कीवर्ड पे रैंक कराया अपनी वेबसाइट को, चल रही है, ठीक है। हालांकि मैंने आपको बताया था कि 25+ मेरी वेबसाइट रन है, और ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि मैं अभी ये थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि इसमें समय आपको देना पड़ेगा, इस तरह के आपको इमेज बनाने के लिए समय देना पड़ेगा, ठीक है। बाकी ये वाला जो मैं कीवर्ड बताया हूँ स्टार वाला कीवर्ड बनाने के लिए आपको समय नहीं देना है, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अगर आपको इस तरह के इमेज बनाने में समय नहीं लगेगा, पर इस तरह इमेज बनाने में आपको समय लगेगा, ठीक है। तो अगर चाहें तो आप समय दे सकते हैं इस इमेज के लिए और बना के और अपलोड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पर, ठीक है। CPC अच्छा है, 15K का सर्च वॉल्यूम, 10,000K के सर्च वॉल्यूम के ऊपर ही काम कीजिए, ठीक है। और अपनी वेबसाइट को पिंटरेस्ट पर जरूर रखिए, ठीक है। पिंटरेस्ट पर ट्रैफिक बहुत अच्छा मिलता है, ठीक है। पिंटरेस्ट में यहाँ देखिए पिंटरेस्ट ही सबसे पहले रैंक है, और ये लगभग 3,000 ये बेस्ट है, प्रीटी बैकग्राउंड की इमेज है, ठीक है। तो कुछ इस तरह का मैंने आपको बता रखा हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है, लोग कैसे काम करते हैं, ठीक है। ये पिंटरेस्ट पर ही रैंक है, ये जो पिंटरेस्ट पर लगाया होगा अपनी वेबसाइट को, उस पर जाएगा आदमी, क्लिक करेगा, इनकी वेबसाइट पर आएगा, ठीक है। बस एडसेंस अप्रूवल है, आपको पैसे बनेंगे, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल थे, मैंने एग्जांपल के तौर बताया, गूगल एडसेंस के अप्रूवल भी मिलेगा, 100% मिलेगा, ठीक है। आप ये सोच में ना रहे कि आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा, अप्रूवल आपको मिलेगा। तो ये आज मैंने 3 आपको कीवर्ड ऐसे बताए कि जिससे आप ट्रैफिक अपनी इमेज वाली वेबसाइट आप बना सकते हैं, ठीक है। उसमें कोई शक नहीं है, नहीं आता है बनाने के लिए तो कुछ पैसे लगते हैं, बनवा लीजिए, मुझसे डिज़ाइन करवा लीजिए, कुछ पैसे दे के मैं डिज़ाइन कर दूँ, या तो किसी और से डिज़ाइन करवा दीजिए, ठीक है। अगर आपको काम करना है तो काम करिए, ठीक है। तो ये रहा आज का 3 भी मेरा कीवर्ड, और मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, और जिनको थोड़ी बहुत अगर आवश्यकता है वो वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जिनके थोड़े बहुत पैसे नहीं हो पा रहे हैं कीवर्ड से संबंधित, या वो रैंक नहीं करा पा रहे हैं पोस्ट, तो इस तरह का अगर कीवर्ड आप उनको बताएंगे तो वो इजीली रैंक करा पा रहेंगे, उनको हेल्प होगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अपना कमेंट आप जरूर करें, कमेंट करें, कमेंट को पढ़ूंगा मैं, उसके बाद आपका वीडियो बना के अपलोड करूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, अगर आप मुझसे कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो इस ईमेल आईडी पर मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी कीवर्ड रिसर्च मार्केटिंग से संबंधित आपको कीवर्ड चाहिए, अमेजोन अफिलिएट के संबंधित कीवर्ड चाहिए, टॉप लेवल के कीवर्ड मैं आपको बताऊंगा, जो मैं पर्सनल यूज़ करता हूँ वो भी कीवर्ड मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप उससे अच्छा खासा आप ट्रैफिक ला सकें, ठीक है। और फ्रेंड्स एक चीज़ मैं और आपको बताना था, मैं यहाँ पर कुछ लोगों ने कमेंट किया है कि टेक्नोलॉजी पे बताओ कंपटीशन लोग, ठीक है, मैं टेक्नोलॉजी पे ही बताऊंगा जी, ठीक है ना चौधरी जी, मैं आपको बताऊंगा। और अफिलिएट के लिए और यहाँ पर लोगों के लिए अलग वेबसाइट बनानी पड़ेगी क्या, अलग से डोमेन लेना पड़ेगा कि, तो भाई खान जी, तो मैं आपको बताना चाहूँगा इमेज वेबसाइट के लिए एक अलग ही वेबसाइट रखें, ठीक है। इमेज वेबसाइट के लिए अलग रखें, टेक वेबसाइट अलग रखें, अफिलिएट मार्केटिंग अलग रखें, ठीक है, ताकि आपका जो ऑडियंस हो ताकि वो उसी उसी से रिलेटेड हो, ठीक है। सारी चीज़ों से रिलेटेड होगा तो वो कन्फ्यूज़ हो जाएगा, अगर वो कन्फ्यूज़ होगा तो फिर आपकी वेबसाइट ही चला जाएगा, ठीक है। तो आपकी वेबसाइट का नुकसान ही है, क्योंकि बाउंस रेट होगा, फिर वो गूगल को नहीं अच्छा लगेगा तो वो रैंक डिसरैंक कर देगा, ठीक है। आप बैकलिंक बनाते जाएंगे वो डिसरैंक करता जाएगा जब आपकी ऑडियंस आपको इंगेज नहीं होगी आपकी पोस्ट पर, ठीक है। तो अपने ऑडियंस का जरूर ख्याल रखें, अगर ऑडियंस का नहीं ख्याल रखेंगे तो आपका वेबसाइट डिसरैंक हो जाता है, ठीक है। आज नहीं होगा कल जरूर हो जाएगा, क्योंकि मेरी वेबसाइट हो चुकी है, ठीक है। मैं
सभी कीवर्ड को एक ही साथ में एक वेबसाइट पर इम्प्लीमेंट किया था, मैं उसको टेस्ट किया हूँ। 15 दिन हो रहा है, 15-20 दिन के अंदर मेरी वेबसाइट डिसरैंक हो गई, फर्स्ट पेज पे, तीसरे पेज पे, दूसरे से तीसरे चली गई, पहले थी फिर दूसरे गई फिर तीसरे चली गई, अभी उसको मैंने फिर प्रयास किया तो आ गई दूसरे पे। ठीक है, तो ऑडियंस का आप ज़रूर ख्याल रखें फ्रेंड्स, ऑडियंस का ख्याल नहीं रखेंगे तो बहुत दिक्कत होती है। तो ये रहा से कुछ चीज़ें मैंने आपको टिप्स की, मैंने बता दी है, जो मेरे एक्सपीरियंस होता है वो मैं आपको बताते रहता हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फ्रेंड।